अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात अस्पृश्यता का अंत, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है छुआछूत न करना या छुआछूत करने की मनाही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इस प्रकार के प्रावधान को स्थान दिया गया है। हमारी संविधान सभा ने अस्पृश्यता को एक बहुत बड़ी बुराई के रूप में देखा और भारतीय समाज में होने वाली इस छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना को रोकने के लिए हमने सबसे पहले आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने के प्रावधानों को लिखा। आर्टिकल 17 को अगर शब्दशः पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया है या अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। मतलब यहां पर यह कहा गया है कि यह पहला अनुच्छेद ऐसा है जो आचरण या व्यवहार के ऊपर बल देता है। ठीक है, तो हम आचरण या व्यवहार के रूप में अगर समता देना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अस्पृश्यता का अंत करना पड़ेगा। और इस प्रकार से निषिद्ध किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता से उपजी किसी भी प्रकार की निरोगिता, अगर कोई व्यक्ति अपने मन में अस्पृश्यता के भाव लेके आता है और उन अस्पृश्यता के भावों से प्रेरित होकर किसी प्रकार की निर्योगिता किसी अन्य व्यक्ति पर लादता है, जैसे कि मेरे अंदर अस्पृश्यता का भाव जागा, अस्पृश्यता का भाव हो सकता है कि व्यक्ति के रंग के आधार पर जागा हो, व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर जागा हो, व्यक्ति के वर्ग या व्यक्ति की जाति या व्यक्ति के लिंग के आधार पर अस्पृश्यता के भाव का उद्भव हुआ हो और उससे मैंने क्या करी हो, किसी प्रकार की कोई निर्योगिता लगाई हो या लागू की हो, तो ऐसा करना अपराध होगा। चलिए, ये तो अपराध मान लिया, अपराध होगा पर कौन सी विधि के तहत, क्या आईपीसी के तहत अपराध है? ठीक है, कौन सी विधि यहां पर अपराध की बात करती है? तो यहां पर कहा गया है कि विधि के अनुसार उसको दंडनीय बनाया गया है। अब कौन सी विधि, तो यहां पर यह कहा गया है कि मूल अधिकारों के संबंध में विधि का निर्माण कौन करेगी, संसद करेगी। तो संसद ने अस्पृश्यता के कानून को दंडनीय बनाने के लिए 1955 में, कब की बात कर रहे हैं, 1955 में, 1955 में अस्पृश्यता के लिए कानून बनाया और उस कानून का नाम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, मैं इसको लिख देता हूं, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, कब का, 1955 का। 1955 के इस अधिनियम को 1976 में संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद इसका नाम रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इस सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत जो कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करेगा या किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अस्पृश्यता का आचरण न तो राज्य करेगा और न राज्य का कोई व्यक्ति करेगा। यहां पे क्या कहा गया है, व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अस्पृश्यता का आचरण नहीं कर सकता। और अगर अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए, ये तो हो गया हमारे आर्टिकल की, जो भी संविधान की किताब में लिखा गया है उस आर्टिकल की चर्चा। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, अस्पृश्यता को ठीक से समझे कि किसी भी रूप में, अब यहां पर किसी भी रूप से अगर हम मतलब निकालें तो मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित हो, किसे, संक्रामक रोग, अगर कोई व्यक्ति संक्रामक रोग से ग्रसित है तो क्या उसे अस्पृश्यता का आचरण किया जा सकता है? जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया, क्या हो गया, कोविड-19, कोरोना वायरस हो गया, और हम उससे बोलते हैं कि दूर रहे भाई, हमको छू मत, अस्पृश्यता का आचरण उससे करते हैं, तो क्या हमें दंड मिलेगा? नहीं। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति है और अगर आप उससे अस्पृश्यता का आचरण करते हैं, दैट इज वैलिड। ठीक है, दूसरी बात, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति गैर संक्रामक, कैसी बीमारी, गैर संक्रामक रोग से ग्रसित है, जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर कोई एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स से ग्रसित है, उस व्यक्ति से अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का आचरण करता है तो जाहिर सी बात है दंड का पात्र होगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
किसी भी रूप में, जैसे कि आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध है, महिलाओं के स्पर्श को क्या माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। तो महिलाओं के विषय में अगर किसी भी रूप में महिलाओं को किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में या किसी भी धार्मिक संस्थान में अगर प्रवेश से वंचित किया जाता है, ठीक है, अस्पृश्यता के आचरण किया जाता है, तो वहां पर दंडित कार्य किया जाएगा, ठीक है। परंतु इसमें एक बात और निकल के आती है, अगर धार्मिक क्रियाकलापों में ऐसा करने की अनुमति है और समाज इसे स्वेच्छा से स्वीकार करता है तो ऐसा किया जाना उचित है। किस आधार पर? धार्मिक नियमों के आधार पर, ठीक है। परंतु फिर भी अगर कानून बना के उसको उसके अधिकारों को उपलब्ध कराना है तो यहां पर उसको वैलिड किया जा सकता है। जैसे शनि सिग्नापुर जो कि शनि महाराज का एक मंदिर है, वहां पे महिलाओं को मुख्य चबूतरे पर चढ़कर तेल डालने की आजादी नहीं थी। तो अब यहां पर यह कहा गया कि जब महिलाओं को चढ़ने की आजादी नहीं है वहां तक, तो पुरुषों को भी वहां तक चढ़ने की आजादी नहीं होनी चाहिए। तो पुरुषों के अधिकारों को कम कर दिया गया ताकि महिलाओं को उनके अधिकार ऐसा ना प्रतीत हो कि महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता के आचरण को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर यहां पर किसी जाति के आधार पर अस्पृश्यता की जाती है तो भी दंडनीय है। किसी भी रूप में, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग लिंग के आधार पर विभेद करके क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता कर सकते हैं। महिला पुरुष के अंतर्गत विभेद किया जा सकता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण एक दंडनीय अपराध है। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, इस 17 के थ्रू हमारे पास एक अधिनियम निकल के आया 1955 का। केवल यही आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे आर्टिकल 18 के विषय।